आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं गौरीगंज अमेठी से। बच्चों से स्कूल की सफाई कराने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। बच्चों से साफ सफाई कराने व प्रधानाध्यापक का समय से स्कूल नहीं पहुंचने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने जांच कराई तो मामला सही मिला। आरोप सही मिलने के बाद बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित करते हुए बहादुरपुर बीईओ को जांच दी है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक कंपोजिट स्कूल बहादुरपुर में शिक्षण कार्य करेंगे। भादर ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल जो है विजरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था दोस्तों। और वायरल वीडियो में बच्चों ने हाथ में झाड़ू लिया था और उसकी सफाई करने का वीडियो वायरल हुआ था। प्रधानाध्यापक के समय से नहीं पहुंचने की बात सामने आई है। भादर ब्लॉक के कंपोजिट स्कूल विजरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बच्चे हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे हैं तो स्कूल में प्रधानाध्यापक के नहीं पहुंचने की बात सामने आ रही है। बच्चों का स्कूल खोलने और सफाई करने की जिम्मेदारी उनके जिम्मे होने की बात कहते हुए शिक्षक के प्रतिदिन विलंब से आने की बात बताई है। वीडियो मिलने के बाद बीएसए डॉक्टर अरविंद पाठक ने प्रधानाध्यापक रामराज यादव से दूरभाष पर जानकारी ली तो उन्होंने सफाई कर्मी के नहीं आने की बात कहते हुए बच्चों के स्वयं सफाई करने की बात स्वीकार की। इतना ही नहीं, जांच में प्रधानाध्यापक के विलंब से आने की बात भी सिद्ध हुई है। प्रधानाध्यापक की ओर से बरती जा रही लापरवाही व बच्चों से सफाई कराने के आरोप में बीएसए ने प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में प्रधानाध्यापक कंपोजिट स्कूल बहादुरपुर में शिक्षण कार्य करेंगे। पूरे मामले की विस्तृत जाँच बीईओ बहादुरपुर को सौंप दी गई है। बीएसए ने बीईओ को आरोप पत्र जारी कर 15 दिन में जाँच करने का निर्देश देते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। रिश्वत लेते गिरफ्तार, खंड शिक्षा अधिकारी को भेजा जेल। आगरा से न्यूज है, विजिलेंस ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए शमशाबाद ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी ब्रजराज सिंह को। बृहस्पतिवार को मेरठ स्थित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आरोप है कि ब्रजराज सिंह ने प्राथमिक विद्यालय लहरपट्टी ब्लॉक शमशाबाद में कार्यरत प्रधानाध्यापक भैरव सिंह से 8,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। भैरवनाथ सिंह अपने जीपीएफ से ऋण लेना चाहते थे जिसके लिए ब्रजराज रिश्वत मांग रहे थे। पीड़ित ने विजिलेंस से शिकायत की। विजिलेंस ने कई स्तर पर जांच की, आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया, ऐसे स्थान पर खंड शिक्षा अधिकारी को बुलाया। भगवान टाकीज स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर से उनको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसपी विजिलेंस रवि शंकर ने बताया कि आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी को मेरठ कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में मौखिक शिकायत रिश्वत मांगने की गई थी। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर जनपद गोरखपुर से है। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए डीबीटी बना सिरदर्द, सैकड़ों खाते निष्क्रिय। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए डीबीटी अर्थात जिसे आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर कहते हैं, सिरदर्द साबित हो रहा है। शासन डीबीटी ऐप पर बच्चों का ब्यौरा पूर्ण करने पर जोर दे रहा है जबकि तकनीकी परेशानी व खातों की निष्क्रियता विभाग के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। शासन स्तर से भी यह फैसला हो चुका है कि यह धनराशि केवल उन्हीं के खातों में भेजी जाएगी जिनमें पिछले 2 महीने में लेन देन हुआ है। निष्क्रिय खातों में धनराशि नहीं भेजी जाएगी। जनपद में कक्षा 1 से 8 तक के कुल 3,34,000 बच्चों के अभिभावकों के खातों में डीबीटी के जरिए स्कूल बैग, यूनिफॉर्म व जूता मोजा के लिए 1,100 रुपये प्रति छात्र धनराशि हस्तांतरित की जानी है। सत्यापन में जिले में लगभग 200 अभिभावकों के बैंक खाते निष्क्रिय मिले हैं जबकि 3,500 आधार कार्ड ऐसे पाए गए हैं जिनका सही ब्यौरा अभी तक विभाग को उपलब्ध नहीं हो सका है जिसके कारण इनके खातों में धनराशि हस्तांतरित करना संभव नहीं है। आइए दोस्तों जनपद गोरखपुर के बीएसए श्री रविंद्र कुमार सिंह जी का क्या कहना है इसे भी देख लेते हैं। योजना के तहत जिले के महज 2,00,000 छात्रों के ब्यौरे का ही सत्यापन हो सका है जिसमें से 1,20,000 छात्रों के विभाग के खाते में धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शेष का आधार प्रमाणीकरण हो रहा है। जिन विभागों के खाते निष्क्रिय हैं शिक्षक उनसे संपर्क कर खाता सक्रिय कराने के लिए प्रयासरत हैं जिसके आधार पर सही ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है उसके लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। जल्द ही पोर्टल पर फीडिंग का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। रमेंद्र सिंह, बीएसए गोरखपुर। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कार्यालय उप जिलाधिकारी मलिहाबाद का ये आदेश है और ये आदेश 31 अक्टूबर 2021 यानी आज ही के डेट में ये आदेश हुआ है। और ये दोस्तों खंड शिक्षा अधिकारी मलिहाबाद को और बाल विकास परियोजना अधिकारी मलिहाबाद को ये आदेशित किया गया है। और विषय है आपके विभाग के कर्मचारी मानदेय पर कार्य करने वाले कर्मिकों को निर्वाचन कार्य में सहयोग हेतु तहसील में उपस्थित न होने के कारण मानदेय रोक दिए जाने के संबंध में। तो दोस्तों इस संदर्भ में ये आदेश हुआ है। यहाँ पे बीएलओ का कार्य, इन लोगों ने ड्यूटी के लिए अभी तक सामान नहीं लिया है, संपर्क नहीं किया तहसील से और इन लोगों की सूची यहाँ भेज दी गई है। इन सभी का मानदेय बाधित करने के आदेश दे दिए गए हैं।
तो दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।